जब आप पहले पढ़ते होंगे जहाँ कहीं से भी आए होंगे तो वहाँ पर एक स्कूल की प्रॉपर टाइमिंग होगी, जैसे सुबह 7 बजे से 1 बजे तक। यहाँ पर जब आप आए तो 10 से 5 बजे तक उठना पड़ता है आपको। फिर वहाँ पे आपके लेक्चर्स जो होते होंगे वो शायद 30-35 मिनट के होते होंगे, यहाँ पर आपको 50 मिनट का पूरा एक लेक्चर लेना पड़ता है। और ज़्यादातर लेक्चर ऐसे होते हैं कि टीचर्स आते हैं और 2 लेक्चर कंटिन्यू लेते हैं। तो अगर कोई टीचर 10 बजे क्लास में एंटर करता है तो लगभग 11:30 तक या 11:40 तक वो क्लास में ही रहता है। तो इतने इतने लंबे लेक्चर जो हैं पढ़ने की आदत नहीं होगी आपको, वो सारी चीज़ें तो आप एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर के जो बच्चे जिस चीज़ को उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया वो उनका एग्ज़ाम है, और वो एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में होने वाला है। और मैं यहाँ पे एग्ज़ाम इंचार्ज भी हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर मैं ऐसी कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आप पूछना चाहते भी होंगे तो सोचते होंगे कि कब पूछें कैसे पूछें। तो टाइम टाइम पे जो बातों की ज़रूरत पड़ेगी आपको वो सारी की सारी मैं यहीं पे बता देता हूँ, और जिसको जो कोई प्रॉब्लम हो वो अपना हाथ खड़ा कर देगा और मैं वहीं पे रुक जाऊँगा और आप अपनी प्रॉब्लम वहीं पे पूछ सकते हैं। क्योंकि अलग से बार बार पूछते हैं बच्चे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी काम में लगे हुए हैं और आप जो है बार बार 4 बच्चों ने वही बात पूछ ली है पहले से, 5वां भी वही आ जाता है। तो कभी कभी हो सकता है काम में बिजी होने की वजह से थोड़ा सा हमारी टोन गलत हो जाए या खींच करके कुछ हम आंसर दे दें। तो वो सारी बातें जो हैं वो वेल सेट हैं, प्रिस्क्राइब हैं, कोई उसमें कोई नई बात नहीं है। बार बार पुराने बच्चे जानते भी होंगे उस बात को, उन बातों को। तो सबसे पहले जो है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो हो चुका है, और अब जो है वो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। और एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो लगभग दिसंबर में मिड में या 10 दिसंबर से या 15 दिसंबर जो भी डेट आती है वो आप लोगों को पता लग जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि कॉलेज से एबसेंट नहीं होना चाहिए आपको। एबसेंट होने में फिर कई बातें आती हैं कि एक तो आपको समझ में आना बंद हो जाता है, जो क्लास चल रही थी आप एक दिन भी एबसेंट हो जाएंगे और उसको फिर किसी से नहीं पूछेंगे। तो जाहिर सी बात है जब अगले दिन आप आएंगे क्लास में तो चूँकि पिछला पता नहीं है आपको तो अगला आना समझ में बंद हो जाएगा। तो टॉपिक्स ऐसे होते हैं तो एक बार नहीं समझेंगे आप तो फिर वो कंटिन्यूएशन में फिर और वर्स्ट होती जाती हैं कंडीशंस। तो इसलिए एबसेंट ना हों। एबसेंट नहीं होंगे तो आपको जो छोटी छोटी बातें यहाँ पे होती हैं कॉलेज में वो भी पता रहेंगी अपने आप ही कि आज ये हुआ कल ये कहाँ है। अब आप एबसेंट भी हो जाओगे, एबसेंट होने के बाद आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं उनको भी नहीं ध्यान दोगे।